हमारे आसपास घास की एक अलग सी दुनिया मौजूद है जिनको हम बिल्कुल बेकार सा समझ लेते हैं, लेकिन उन्हीं बेकार सी घासों में कुछ ऐसी भी घासें होती हैं जिनका औषधीय गुण बहुत ज़्यादा होता है। और मैंने इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ था कि 5 ऐसी कौन सी घासें हैं जो औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा, और ये वीडियो उसी वीडियो का पार्ट 2 है। इस वीडियो में भी मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि ऐसी कौन सी औषधीय घासें हैं जिनका यूज़ हम अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं और उनसे फ़ायदा भी ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मैं आगे कभी भी इस तरह की वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। इस लिस्ट में मैंने चिरचिरा के प्लांट को भी रखा हुआ है। चिरचिरा का पौधा जो है बहुत ही आसानी से पूरे भारत में देखने को मिल जाता है। इसकी पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जब भी आप किसी कभी जंगल से गुजरे होंगे और आपके कपड़ों में कुछ इस तरह से इसके फल लग जाया करते हैं तो बहुत ही आसानी से इसको आप पहचान सकते हैं। बचपन में हम इसे चोर बोला करते थे क्योंकि हमारे कपड़ों में चोर की तरह चिपक जाया करता था। इस प्लांट के औषधीय गुण बहुत ज़्यादा हैं। इसके पत्तों का प्रयोग गुर्दे की पथरी में, पाइल्स के रोगी, कुष्ठ रोग में, फोड़े फुंसी के रोग में, फोड़े फुंसी में इसके पत्तों का लेपन आप कर दें उसमें काफ़ी आराम देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसके पत्तों के काढ़े का यूज जो है जिनको खांसी बहुत टाइम से रह रही हो वो भी कर सकते हैं। इसके पौधे बहुत आसानी से उखड़ जाते हैं, उनको उखाड़ करके उनकी जड़ों का प्रयोग अगर आप दातून की तरह करते हैं, आप हफ्ते में किसी भी एक दिन इनके जड़ों से अगर आप दातून करते हैं तो आपके दांत में प्रॉब्लम नहीं होगी। दांत दर्द की प्रॉब्लम हो, पाइजा की प्रॉब्लम आपको बहुत लंबे टाइम से रह रही हो, तब आप इनके जड़ों से अगर आप दातून करते हैं, रेगुलर दातून कर लें कुछ दिनों तक, अगर आपको सूखी हरी जड़ नहीं मिल पाती तो आप इनकी सूखी जड़ को भी इकट्ठा कर लें, उसको आप ब्रश करने से पहले, दातून करने से पहले 1-2 घंटे पहले भिगो दें, फिर उन सूखी हुई जड़ों, वो सूखी हुई जड़ें भीगने के बाद उनको आप बड़े आराम से दातून की तरह प्रयोग में ले सकते हैं। तो उससे आपके दांत दर्द में, पायरिया जैसी प्रॉब्लम में, मतलब कि दांत की कोई भी प्रॉब्लम हो, बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। इनकी जड़ों का यूज़ जो है अक्सर गांव वगैरह में पहले जो झाड़ फूक वाले होते थे वो बिच्छू के काटने पर जो है इसकी जड़ों का लेपन करते थे। कुछ तांत्रिक भी इसका यूज़ झाड़ फूक में करते हैं तो वो अलग मैटर हो गया, लेकिन इसके औषधीय गुण बहुत ज़्यादा हैं, तो इनके औषधीय गुण के लिए भी आप इनको प्रयोग में ले सकते हैं। इसके अलावा मुझे यहाँ पे पुनर्नवा का पौधा दिख गया है। पुनर्नवा भी काफ़ी ज़्यादा आसानी से हर जगह मिल जाने वाला पौधा है और इसमें भी औषधीय गुण बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इसका आइडिया आप इसी से लगा सकते हैं कितने ज़्यादा औषधीय गुण इसमें होते हैं कि पुनर्नवा के पाउडर जो है, पत्तों का पाउडर बना करके मार्केट में कैप्सूल्स बेचे जाते हैं और टैबलेट्स बिकते हैं, तो अगर मार्केट में बिक रहा है, कंपनियाँ बेच रही हैं, दैट मीन्स कि जो है इसमें बहुत ज़्यादा औषधीय गुण होंगे और हम इन्हें अक्सर उखाड़ के फेंक दिया करते हैं, जबकि कंपनी वाले इन्हीं पौधों के पाउडर को बना करके हमें महंगे दामों पर बेचा करते हैं। पुनर्नवा के पौधों में पोटेशियम नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोराइड बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसी वजह से ये यूरिन इन्फेक्शन में, किडनी की प्रॉब्लम किसी को हो, अक्सर इसके पाउडर वो लोग यूज़ करते हैं जिनको किडनी में प्रॉब्लम होती है और यूरिन इन्फेक्शन होता है, वो लोग इसके पाउडर को, इसके कैप्सूल्स को यूज़ करते हैं। पुनर्नवा के पौधों में मैग्नीशियम भी होता है, जिसके कारण से ब्लड प्रेशर के अगर आप रोगी हैं तो ब्लड प्रेशर के रोगी भी इसके पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। तो आपके आप जो है पाउडर को ना यूज़ करके बिल्कुल प्योर फॉर्म में, जो हमें बिल्कुल शुद्ध रूप में हमें नेचर ने दिया हुआ है, वो सूखे हुए पाउडर के पता नहीं क्या मिलाया हुआ है उसमें, उससे अच्छा है कि आप बिल्कुल प्योर फॉर्म में अपने खुद के गार्डन में ये प्लांट लगा करके इनके पत्तों का आप यूज़ कर लें। एंटी एजिंग गुड़ भी इसमें होते हैं, तो एंटी एजिंग जो टैबलेट्स वगैरह मिलती हैं उनमें भी इनके पत्तों का पाउडर मिलाया जाता है। इस पौधे की पहचान ये है कि बिल्कुल ज़मीन से चिपका हुआ होता है, उसके साथ ही साथ इसमें इस तरह से पत्तियाँ होती हैं और इसमें बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स भी होते हैं। पुनर्नवा के आस पास आपको दूधी घास भी देखने को मिल जाएगी, इसके भी औषधीय गुण बहुत ज़्यादा हैं। दूधी घास की 2 प्रजातियाँ होती हैं, एक बड़ी दूधी घास, एक छोटी दूधी घास। वैसे दोनों ही तरह की दूधी घास बड़े आराम से आपको देखने को मिल जाएंगी, लेकिन अगर आपके पास छोटी दूधी घास है तो आप छोटी दूधी घास का प्रयोग करें, ये ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। अगर ये नहीं मिलती तो आप बड़ी दूधी घास का भी प्रयोग कर सकते हैं। दूधी घास का प्रयोग जो पेट के रोगी होते हैं, जिनको अतिसार वाली प्रॉब्लम रहती हो, कब्ज काफ़ी लंबे टाइम से हो, अतिसार काफ़ी लंबे टाइम से हो, उनके लिए बहुत ज़्यादा कारगर औषधि है। इसके साथ ही साथ जिनको नकसीर की प्रॉब्लम रहती है, यानी कि जिनके नाक से खून अक्सर बहने लगता है, अक्सर गर्मियों में बहुत से बच्चों के नाक से खून बहने लगता है, ऐसी कंडीशन में भी वो दूधी घास की पत्तियों का रस उन्हें दे सकते हैं। दूधी घास से पाचक रस भी बहुत ज़्यादा होता है, जिनको लंबे टाइम से पेट की प्रॉब्लम हो वो इसका यूज़ कर ही सकते हैं। साथ ही साथ जिनको खांसी की प्रॉब्लम, दमे की प्रॉब्लम बहुत लंबे टाइम से रह रही है, वो दूधी घास के पत्तों का काढ़ा बना करके ले सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर आपको रतौंधी वाली प्रॉब्लम है तो वो भी, उसमें भी आप जो है दूधी घास का प्रयोग कर सकते हैं। इनको पहचानने का तरीका बहुत ही आसान है। एक तो इनको आप दूर से देख कर पहचान सकते हैं, उसके साथ ही साथ इनको आप जैसे ही इनको तोड़ेंगे उनमें आपको ढेर सारा दूध बहता हुआ दिख जाएगा, शायद इसीलिए इनको दूधी घास बोलते हैं। छोटी या बड़ी कोई भी प्रजाति हो, दोनों में ही वही बात है,
कि आप जैसे इनको तोड़ेंगे इनकी ब्रांच से दूध सा बहने लगता है। तो इस तरह इनको आप बड़े आराम से पहचान सकते हैं। इसके अलावा ये सत्यानाशी का पौधा है, ये भी घास की तरह हमें पूरे भारत में देखने को अक्सर मिल जाया करता है। अक्सर ऊंचे पत्थरों वाले स्थान पे जो है ये प्लांट में देखने को मिल जाता है। इसे सत्यानाशी हिंदी में बोलते हैं, या फिर इसका बॉटेनिकल नेम एर्जीमॉन है, और इसे नॉर्मली लोग मैक्सिकन प्रिकली पॉपी बोल देते हैं। और इसके भी औषधीय गुण बहुत ज़्यादा हैं। इसकी पत्तियों का प्रयोग मलेरिया के रोग में, बुखार में, या फिर अल्सर और स्किन प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसके तेल के प्रयोग का भी बहुत ज़्यादा जिक्र हमें आयुर्वेदा में देखने को मिल जाता है। इसके पत्तियों और इसके सीड के साथ साथ इसके जड़ों का प्रयोग भी औषधीय रूप में किया जाता है। इसकी जड़ों का प्रयोग जो है यूरिन इन्फेक्शन में किया जाता है, और इसके साथ ही साथ अगर आप इसकी जड़ों को जो है अजवाइन के साथ काढ़ा बनाते हैं इसका, और 10 से 15 दिन इसके अजवाइन के साथ बने हुए काढ़े का प्रयोग, इनकी जड़ों के काढ़े का प्रयोग करते हैं, तो पुरानी से पुरानी कब्ज जो है आपकी दूर हो जाएगी। तो इस घास का प्रयोग भी आप औषधीय रूप से कर सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ मिल जाने वाला पौधा है। ये कांटों वाले पत्ते और इसके फूल को जो देख करके आप बड़े आराम से इनको पहचान सकते हैं। बहुत से सरसों के तेल की कंपनियां इनके जो बीज से तेल निकालता है उनकी मिलावट हमारे सरसों के तेल में कर देते हैं। इसके औषधीय गुण तो हैं, लेकिन अगर आप किसी भी औषधि को बिना ज़रूरत के बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना शुरू कर देंगे तो वो नुकसान ही करता है। इसलिए बहुत सी कंपनियां दावा करती हैं कि उनके तेल में एर्जीमॉन का तेल नहीं मिलाया गया है। आपने इस घास को तो अपने आसपास देखा ही होगा। इसे हिंदी में फुलियारी बोलते हैं, या फिर इसे ऑक्सैलिस भी बोला जाता है। इसमें येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं, और इसकी पत्तियों का स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है। तो बहुत आसानी के साथ आप इनकी चटनियों का प्रयोग कर सकते हैं। अब अगर इनकी बात करें औषधीय गुणों का, किसी को अगर खूनी दस्त है तो इसकी पत्तियों का 15 से 20 ml रस अगर आप उसे देते हैं तब उसे खूनी दस्त में आराम मिल जाता है। किसी को चोट लगने की वजह से सूजन हो गई हो तो इसकी पत्तियों को पीस करके उस सूजन वाले स्थान पर रख दें, आपको आराम मिल जाएगा। आपको पेट से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो आप इनकी खट्टी पत्तियों का प्रयोग जो है चटनी बना करके कर सकते हैं। पत्तियां खट्टी होती हैं तो बहुत ही आसानी के साथ आप इनको जो है चटनी के रूप में यूज कर सकते हैं, और आपके पेट से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम होगी बड़े आराम से दूर हो जाएगी। इसकी पत्तियाँ विटामिन सी और कैल्शियम का काफ़ी अच्छा सोर्स मानी जाती हैं, लेकिन अगर आपको किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम है तब आप इसकी पत्तियों का यूज़ ना करें। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी सवाल सुझाव है इस वीडियो से जुड़ा हुआ आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।